तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देख रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ये क्या पूछता है आपसे? द एंगल सब्सटेंडेड एट द आई बाई एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एंगल सब्सटेंडेड एट द आई बाई ए वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस बाई ए मैग्नीफाइंग ग्लास। इन वॉट सेंस डज द मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोवाइड एंगुलर मैग्नीफिकेशन? तो समझना ज़रा, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, बहुत ध्यान देना। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आप इसको डायरेक्टली अपनी आँखों से देखते हो। ये आपका आँख है, आप इसको डायरेक्टली देख लेते हो, तो आपको आपके आँखों में कैसा दिखेगा बताओ ज़रा। एंगुलर मैग्नीफिकेशन मैं समझाने के लिए बनाता हूँ। ये ऐसा हुआ और ये हो गया, ये है आपका एंगुलर मैग्नीफिकेशन थीटा वन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम इसी ऑब्जेक्ट को, यानी हो देखने में थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर लो। इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक लेंस के सामने रखा, मैंने इस लेंस को कुछ ऐसे सेटअप किया कि इसने क्या कर डाला, इसने इसका इमेज बना दिया यहाँ पे। अब मैं मेरे आँखों से इसको देख रहा हूँ। अब मेरे आँखों के साथ ए वाला इमेज का एंगल देखो ज़रा, ज़्यादा बड़ा हो गया ना। सो यही चीज़ हमें यहाँ पे समझाना है, डन है क्या? तो लिख देंगे कि एंगल सब्सटेंड बाई एन आई विद द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एंगल सब्सटेंड बाई द आई विद वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस बाई मैग्नीफाइंग ग्लास। इन वॉट सेंस डज द मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोवाइड एंगुलर मैग्नीफिकेशन? तो कैसे करता है? सो अगर हम यहाँ पे लिखें, सीधा लिख देंगे द वर्चुअल ग्लास, मतलब आपका लेंस मैग्नीफाइज द इमेज, डन है क्या? विच इंक्रीजेस द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू आवर आई। आप इसको बढ़िया से दोनों में देख सकते हो, ठीक है? आवर विथ रिस्पेक्ट टू आवर आई हेंस प्रोड्यूसेस लार्जर मैग्नीफाइंग पावर। उसी का एक और नाम क्या है? एंगुलर मैग्नीफिकेशन, डन है क्या? तो ये था 34 नंबर का आपका आंसर। ये बातें क्लियर है कि? फिर हम मिलते हैं 35 नंबर में।